ये झूठ बोलती है। नहीं भैया, मैं सच कहती हूँ भैया। झूठ हो भाई को मौत रानी साड़ी चोली फटा हुआ ते नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मेरा बचपन का दोस्त चोर कन्हैया, जिसके ऊपर ते झूठिया से रंग लगाती है, मैं कभी बात को विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्या भैया, जिस पापी ने हमें इज्जत रोता है, उस पापी का आप दोस्त ना रहे भैया? इसका मतलब मैं समझ गई भैया। आप समझते होंगे कि जो हमें हमसे पीर बलमान है, हम उसे टीका लगाने में पा नहीं पा रही हूँ। मेरा बहन की इज्जत तो लूट लिया तो क्या होगा भैया? धिक्कार है, धिक्कार है छपने कूनों का भैया। बोल रही है, मैं सच कहती हूँ भैया, चलो हमें इज्जत लूटा है। बाहर रस्मा,
तेरे हमें भी जानती है क्या मेरा सहन शक्ति नहीं कि मैं चोर से तुम्हारा बदला ले सकूं। बहन रश्मा क्या भैया क्या ते ये बात तो सच कहती है बहन रश्मा। हाँ भैया मैं सच कहती हूँ भैया। क्या भैया शक्ति मेरा नहीं कम गया कि तुम्हारा इज्जत का बदला उस पापी से ना चुका सकूं। भैया जो गोने मनुखे से छूट जाती और लौटकर वापस नहीं आती है भैया। ये क्या कहना चाहते हैं? जो वचन दिव्य से बाहर हो जाती और लौटकर वापस नहीं आती है भैया। भैया हमें जब लूट गई भैया तो वापस नहीं आएगी भैया। जब तक धर्मन को सर काट कर ये मुकमा दरबार नहीं टांग दीजिएगा भैया तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी भैया। आप वादा कीजिए चौहान के सर मुकमा दरबार टांग दीजिएगा ना भैया। क्या वादा करने कहती है सारा महारेश्वा। ठीक है सब कुछ छोड़ के। ए बहन रश्मा को जा करते मैं छोड़ के आओ। ए मामी क्या
करेगा, पहले इनका हॉस्पिटल ले जाओ इलाज कर दे, इसका चिंता ते करेगा। चलो दवाई पहुंचा दे मैं। जाओ ले जाओ।